इनके बीज दिखाऊंगी आपको किस तरह के होते हैं। तो मैं साफ करूंगी इसको पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सरोज पंवार आप सभी का पंवार न्यूज ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आजकल जो है सर्दियों का मौसम शुरू हो रखा है और हम लोगों ने स्वेटरें पहननी भी शुरू कर दी। और आज जो है हम लकड़ियां इकट्ठी करेंगे क्योंकि इधर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो हमें जो है लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है आग सेकने के लिए। तो आज वही इकट्ठी करेंगे क्योंकि हमारे बगीचे में जो है लॉपिंग का काम शुरू हो रखा है। और मैंने जो आप लोगों को पिछले वीडियो में भंगजीत के पौधे दिखाए थे उसके बीज भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भंगजीर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को भंगजीर के पेड़ दिखाते, वो यही पेड़ है। और ये जो है काट दिए थे और कुछ दिन सुखाने के लिए रख दिए थे, तो सासू जी ने है ये कल जो है झाड़ दिए थे। और ये जो है इसके बीज है, तो मैं इसको जो है साफ़ करके दिखाऊँगी आप लोगों को कि भंगजीर के बीज कैसे होते हैं। थोड़ा साफ़ कर दिए, ये अच्छे से अभी साफ़ नहीं हुई क्योंकि इसके जो ये बाहर के छिलके हैं अभी सूखे नहीं अच्छे से, तो एक दो दिन सुखाने के बाद अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ, ये होते हैं भंगजीर के बीज, ये देख सकते हैं आप। और ये जो है दो कलर के होते हैं, एक वाइट कलर के होती है और ये जो है ब्लैक कलर के है। तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन वाइट कलर की बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये जो है ना खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको जो बाज़ार में चूड़ा आती है हमारे पहाड़ों में, तो घर में ही चूड़ा बनाते हैं। इसको जो है चूड़ा में मिला के चीनी और ये भंगजीर, तो चूड़े का जो है स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है उसमें। तो मैं अभी सुखाने के लिए रख देती हूँ इसे। जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो अच्छी सी धूप निकल रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर जो है चिड़ियाएं भी चहक रही है, देख सकते हैं आप बगीचे के बीच बीच में धूप बहुत ही अच्छी लग रही है और चिड़ियाओं की ये जो सुनहरी आवाज़ है। अभी चावल साफ कर रही हूँ क्योंकि अब जो है थोड़ी देर में लंच बनाने का टाइम हो जाएगा, तो अभी जो है साफ करे हुए चावल नहीं रह रखे थे, ख़त्म हो गए थे, तो मैं इनको थोड़ा साफ कर देती हूँ। तो मैं आई हूँ अभी बगीचे में और हम जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे टहनियों की लॉपिंग कर रखी क्योंकि ये जो है नीचे की और आते खेत की तरफ, तो फिर हल लगाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो है लॉपिंग कर रखी। तो ये हमारे होटल के शेफ विक्रम भट्ट। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आजकल जो है सब लगे हुए काम पे, तो ये भी होटल का काम छोड़ के हमने जो है इन्हें भी थोड़ा काम पे लगा दिया। और ये बच्चा पार्टी भी लगी हुई, और मेरी सासू जी और मेरी जेठानी भी है। हेलो गाइस, मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर देना, मेरे भाई लोग नेपाली लोग जितने भी हैं। और ये हमारा मैंगो गार्डन है, ये मैंगो गार्डन है। और ये जो है अभी होटल पे काम कर रहे थे, तो और ये मेरी दीदी है, तो सब लोग जो है लगे हुए काम पे। काम है थोड़ा सा, क्या बना बनाता हूँ, मोमो बना के दिखाऊंगा मेरे नेपाली भाई लोगों को सबको। तो हम जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करके घर आ गए थे और उसके बाद जो है लंच बनाया हमने। और विक्रम ने बोला था कि मोमोज बना के दिखाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, लंच बनाना था, तो मैं घर आ गई थी। और हमने जो है आज लंच में बनाए हैं कद्दू की सब्जी, चावल और दही। तो अभी जो है भूख भी लग गई है, अभी लंच करेंगे, तो मिलेंगे आप लोगों को शाम को। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है रात हो चुकी है, हमने जो है रात का खाना भी बना दिया और बीच में जो है थोड़ा दिन में आराम किया था, फिर बच्चों का स्कूल का काम करवाया। और अभी जो है हमारे घर पे मेहमान आ रखे हैं, तो उनसे भी मिलवाऊंगी आप लोगों को।
तो अभी जो है सब लोग डिनर कर रहे हैं, और ये बैठी है मेरी छोटी वाली बेटी, और ये है अनुज भाई, और ये है ससुर जी अनुज के पापा, और ये मेरे हस्बैंड जी, बेटा बैठा है यहाँ, और ये बड़ी वाली बेटी, और ये है सबसे बड़ा वाला बेटा, और ये है दीदी। हेलो फ्रेंड्स, तो सबने खाना खा लिया है, तो सब बाहर बैठे हैं और मम्मी और किचन में काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, दोनों मम्मी काम पे लगी हैं। तो देख सकते हैं आप, दादाजी एंड चाचा जी जा रहे हैं, चाचा जी और दादाजी चले चुके हैं।